मुंबई कांग्रेस व्यापारी सेल के अध्यक्ष और दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी की ओर से महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कोरोना योद्धा महिलाओं को सम्मानित किया गया। चेंबूर के राजीव गांधी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरी की उपस्थिति में यह सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ। और कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुए इस सम्मान समारोह से पहले वॉइस ऑफ लता मंगेशकर नीता जाधव और गायिका सपना लालवानी ने लता के सुंदर गीतों को गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उसके बाद 24 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें दूरदर्शन और न्यूज 24 की पत्रकार व ग्लोबल चक्र की प्रमुख संपादिका संध्या श्रीवास्तव, लोकशाही की पत्रकार मीनाक्षी म्हात्रे और डीआरवी न्यूज की पत्रकार मनीषा जोशी जैसी पत्रकार शामिल थीं, तो वहीं राजावाड़ी अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अलका माने व निब्बान सामाजिक संस्था के प्रमुख स्वानंदित तांबे सहित 13 पंथ महिला मंडल की चेंबूर अध्यक्षा तारा जैन जैसी तेज तर्रार महिलाओं का समावेश था। सभी ने इस कार्यक्रम की खूब तारीफ की पहला तो मैं महिला दिन के इस शुभ अवसर पर सारे महिला वर्ग को शुभेच्छा देता हूँ। आप देखेंगे कि झांसी लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी, उसके बाद में सावित्रीबाई फुले, माता जिजाऊ रमाई, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा जी गांधी, ऐसे महान लोगों ने इस देश में बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के लिए। यहाँ पर महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे कोठारी साहब ने चेंबूर की जो महिला है हर सेक्टर में जो आगे आई है, जिनका योगदान रहा, जैसा कि कोविड का ये भयानक महामारी आई, एजुकेशन सेक्टर में कुछ महिला काम कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है, सोशल सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे सारे महिलाओं का सत्कार सम्मान यहाँ पर आज हमारे जिला अध्यक्ष हुकुमराज जी मेहता, लक्ष्मण कोठारी, डेविड और हमारे सभी साथी, इनके माध्यम से यहाँ पर हुआ है। महिलाओं को सक्षम करने का काम करने का जिम्मा हम लोग ने उठाया है और महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उस अन्याय अत्याचार को दूर करना हमारे देशवासियों का कर्तव्य बनता है, महिलाओं को हर सेक्टर में आगे लाने का कर्तव्य बनता है।
तो आज के इस दिन के उपलक्ष्य के ऊपर मैं हमारे देशवासियों को, हमारे शहर के और खास करके चेंबूर वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चेंबूर की जो महिला है और बाकी महिला है उनके पीछे आप खड़ा रहिए, हम लोग भी खड़े रहेंगे और उनको साथ देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे नेता सोनिया गांधी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है। जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके पहले हमारे दिवंगत नेता राजीव जी गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत राज का निर्माण किया, महिला को पॉलिटिकली सक्षम करने के लिए उन्होंने पंचायत राज लाया था, और उनके वजह से देश की जितनी भी महानगर है, नगर पालिका है, पंचायत है, तो उसमें महापौर से लेकर नगराध्यक्ष और नगर सेवक तक आज 10 लाख महिला चुन के आती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी की देन है। महिलाओं का सक्षमीकरण करने के लिए सोनिया गांधी जी ने भी बहुत सारा प्रयास किया है। अभी फिलहाल आप देखेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में 40% के ऊपर हमारी नेता प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने का काम करके महिला सक्षमीकरण का काम करने का जो काम किया है, तो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए और सारे लोगों के लिए काम करेगी। तो यूपी में लड़के होने के बाद में लड़के बताया और महिलाओं को लड़ने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो महिला हमारी देश की परंपरा ये थी कि 51% पुरुष है और 49% महिला है, उसके बावजूद भी जो भी काम करना है, जो भी बड़ा आदमी बनना है तो आदमी ने बनने का, औरत ने खाली घर संभालना है, ये परंपरा हमारे देश की महान महिलाओं ने तोड़ दी। जैसे कि सावित्री बाई फुले ने बच्चों महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे थे, छत्रपति शाहू राजे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, न्यायमूर्ति रानड़े थे, ऐसे बहुत सारे महान नेताओं ने महिलाओं को आगे लाने का काम किया। जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब तक देश सक्षम नहीं बनेगा, ऐसी इस महान नेताओं की धारणा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके महात्मा गांधी जी तक, ये सारे महान नेताओं का ये महान नेताओं की यही धारणा थी कि जैसा पुरुष आगे बढ़ता है ऐसा स्त्री भी आगे बढ़नी चाहिए, और आज देखेंगे कि स्त्री आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में आगे जा रही है। कल्पना चावला से लेके आप देखिए, आज ट्रेन चलाने वाली महिला है, पायलट महिला बनी है, कलेक्टर बनी है, डॉक्टर बनी है, सब सेक्टर में महिलाओं का राज चलता है। खास करके मैं हमारे नेता दिवंगत नेता राजीव जी गांधी, इन्होंने जो महिलाओं के लिए पंचायत राज का जो बिल लाया पार्लियामेंट में और महिलाओं को पॉलिटिकली सब अधिकार देने का काम किया, उसके वजह से 10 लाख महिला आज देश में अधिकार पद के ऊपर है, नगर सेवक है, नगराध्यक्ष है, मेयर है, ये सारी पोस्ट आज महिला कवर कर रही है। तो ये बहुत सारा काम आज हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिला और सक्षम हो जाएगी, और उनको सक्षम करने के लिए हमारे जैसे सारे लोग हम मिलके काम करेंगे, ये मुझे लगता है। तुम्ही बघा, जगामध्ये अशा काही कर्तृत्ववान महिला होऊन गेल्या की ज्यांचं कर्तृत्व बघून जगातली जी संस्था युनो यांनी जागतिक महिला दिवस साजरा करण्याचं ठरवलं आणि महिलांना सर्व अर्थानं प्रोत्साहन देण्याचं काम जगभर होत आहे। आपल्या देशाच्या महान नेत्या झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पासून ते सावित्रीबाई फुले, जिजामाता, रमाई आंबेडकर, इंदिराजी गांधी, या थोर नेत्यांनी या देशाला स्वराज्य निर्माण करून दिलं, देशाला सर्व अर्थानं पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं, असा गौरवशाली इतिहास आपण वाचला तर आपल्या लक्षात येईल की या देशातल्या कर्तृत्ववान महिलांनी या देशाला बनवण्याचं काम केलं।
आणि आत्ताच या घडीला सुद्धा आपण बघतो की त्यांच्याच उपकारामुळे आज या मोठ्या प्रमाणात जे महिला शिकत आहेत किंवा महिला सगळ्या सेक्टरमध्ये काम करतायत, तर या सगळ्यांचं कर्तृत्व, याचाच अर्थ असा आहे की कर्तृत्व म्हणण्यापेक्षा या महिलांना प्रोत्साहन मिळेल, त्या पुढं जाव्यात, त्यांनी चांगलं बनावं, म्हणून आजही आपलं गव्हर्नमेंट, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट त्यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम करतं आहे. आम्ही कार्यकर्ते, काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते, हुकुमराज जे असतील, मी असेल, कोठारी असतील, आम्ही या ठिकाणी चेंबूरमधल्या सगळ्या महिलांना एकत्रित केलं. सगळ्या प्रकारच्या महिला यामध्ये होत्या, मुख्याध्यापक होते, डॉक्टर होते, इंजिनियर होते, वेगवेगळ्या सेक्टरमधल्या महिला होत्या, झोपडपट्टीमध्ये काम करणाऱ्या आमच्या महिला कार्यकर्त्या होत्या. या सगळ्यांनी मिळून या चेंबूरच्या विकासाला हातभार लावला आहे आणि या महिला दिनाचं औचित्य साधून या महिलांचाही सत्कार झाला पाहिजे अशी भूमिका आम्ही सगळ्यांनी घेतली आणि आज अत्यंत सुंदर असा कार्यक्रम लक्ष्मण कोठारी यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी संपन्न झाला. मी पुन्हा एकदा महिला दिवसाच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, खास करून महिला वर्गाला. नहीं देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे भारत की महिलाओं का, जिनको कि सशक्तिकरण का प्रोग्राम हमारे पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा धोरण है, एक जिसने कि राजीव गांधी जी ने 50% उनको पार्टनरशिप 50% हक दिया चुनाव लड़ने का, एक बहुत बड़ा हर जगह पर उनको आरक्षण दिया 50% का, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके. तो आज उसी को याद मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम, आज महिला को उनका सम्मान करने का प्रोग्राम यहाँ पर रखा था. इसमें तरह तरह के लोग, जो डॉक्टर से लगा के पुलिस डिपार्टमेंट हो या सोशल वर्क हो, अलग अलग महिलाओं ने जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान कोरोना के काल के समय लाखों लोगों की जान बचाने का जो काम किया है, आज उन महिलाओं का यहाँ पर हमने सम्मान का कार्यक्रम किया. और ये बहुत ज़रूरी है कि उनका सम्मान किया जाए. और अभी तक बहुत ही जगह पर, और मैं बोलूँगा कि खाली 10% महिलाएं और 5% महिलाएं आगे आ रही है, अभी तक 40% महिलाएं बहुत पीछे हैं. और उनको मजबूत करने का, उनको स्ट्रांग बनाने का काम, उनको सशक्त करने का काम, उनको ताकत देने का काम है, वो हम सबको मिलना चाहिए. और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला का सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आज उनको मजबूत करने का प्रोग्राम, उनको प्रोत्साहन देने का प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा है. और हमें बहुत खुशी हुई कि महिलाएं बहुत ही हर फील्ड में आगे रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया. और उसी के साथ स्वर सामग्री हमारी लता मंगेशकर जी को हमने आज यहाँ पर याद किया, जो कि एक विश्व की अजूबी महिला थी, जिसका स्वर पूरे वर्ल्ड में गूंजता था और उसकी आवाज़ ने हमारे जीवन में एक नई चेतना, हिंदुस्तानियों के जीवन में एक नई चेतना भर दी थी. और एक सुनने के बाद हमें एक नई जोश पैदा होती है. ऐसी महान कलाकारों को आज श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम हमने आज यहाँ पर किया. वो भी एक महिला थी, तो उसको भी एक बहुत बड़ा आज हमारे बीच में राखी नीता जाधव करके जो गायिका है, उन्होंने बहुत अच्छा लता के स्वर में गाया, लोगों का मनोरंजन भी किया और उसके साथ उनको याद भी किया. और इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं का सम्मान और याद करके आज ये प्रोग्राम किया. और मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने बहुत ही मुझे हर तरह से सपोर्ट दिया है और मुझे ताकत देने का काम किया है. और आने वाले समय में भी मैं भी हमेशा उनको मदद करने का काम करूंगा और महिला भी हमारा मदद करने का काम करेगी. ये हंडोरे साहब हमारे यहाँ के हमारे सबके नेता है, हमारे लाडले नेता है. वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे. अगर वो मुझे चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं लड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं 40 साल से पब्लिक की सेवा करते आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरह करता रहूँगा. मुझे जो मान सम्मान बिना नगर सेवक पे भी मिलता है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शब्दों का सम्मान होता है. आज मैं चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और लोगों को कल्याणकारी काम करने के लिए हमेशा लोगों के लिए लड़ता रहता हूँ. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. ज़रूरी नहीं कि वो नगर सेवक हो, नगर सेवक नहीं होकर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. और वो काम हमेशा हम लोग 40 साल से करते आए हैं, वही हम करते रहेंगे. महिला दिवस,
जिसको पूरे संसार में जो है अपने आप एक पहचान बना करके पूरे महिलाएं जो मनाती है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पूरे जो संसार के लोग हैं वो आज जो है महिलाओं को सम्मान दे करके उनको जो है आगे बढ़ने के लिए करते हैं और इसी वजह से आज महिला दिवस मनाया जाता है। मैम, सबसे पहले ग्लोबल चक्र की तरफ से आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। सबको महिला दिन की, जागतिक महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। महिला दिन सेलिब्रेट करना, महिलाओं को सम्मानित करना एक समाज का एक गर्व माना जाता है कि बहुत अच्छी एक ये जो दिन जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट करते हैं, पूरे जग में सेलिब्रेट करते हैं। आज यहाँ पर लक्ष्मण कोठारी जी ने जो हम महिलाओं को बुलाया है, सम्मानित किया है, हमारे काम के बारे में उन्होंने जो कुछ सम्मान हमें दिया है वो बहुत ही हमें प्रोत्साहित करता है आगे सोशल वर्क में और काम करने के लिए। और मैं बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में काम करती हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, और हम बच्चों को, एडोलेसेंट बच्चों को और पेरेंट्स को काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हेल्थ और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए है। तो अगर कोई इनके साथ अगर काम हमारा आगे हमें करना है तो चेंबूर में, एम वार्ड में जो भी बच्चे हैं जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की तरफ पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए सर से मैं रिक्वेस्ट करके ऐसी कोई सर्विसेज हम स्टार्ट कर सकते हैं जिन पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विसेज दे पाए। मैं लक्ष्मण कोठारी जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि हमें सम्मानित करने के लिए और हमारे काम को प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू सो मच। जो महिलाएँ हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है मैम, जो महिलाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पिछड़ी जाति से है या फिर पिछड़े कहीं फाइनेंशियली या बहुत तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे किस तरह से महिलाएं जो है हर बीड़ा को, चूँकि आज जो है महिलाएं जो है धरती से लेकर के चांद तक पहुंच गई हैं, हम कंधे से कंधे मिला करके आज खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले कि कितनी प्राउड फील होती है, और नेक्स्ट अगर कोई जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको कैसे आप आगे लाने की कोशिश करें। अभी जो हमारा जो गवर्नमेंट का महिला बाल और महिला सबलीकरण का जो विभाग है, इस विभाग से बहुत सारे स्कीम्स डेवलप किए जाते हैं जो महाराष्ट्र के लिए है, इंडिया के लिए, और जो पिछड़ी जाति के जो औरतें हैं उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन उनको एक साथ लेके आना और उनको इकट्ठा करना, उनको इस स्कीम में शामिल करना, उनको इसके फ़ायदे समझाना और उनको उनका सबलीकरण करना, ये इसके लिए बहुत सोशल वर्क की ज़रूरत है, सबको समाज को इकट्ठे आने की ज़रूरत है। जो कोठारी सर जैसे जो लोग हैं वो अगर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करें और हम महिलाओं को भी आगे इस क्षेत्र में काम करने के लिए अगर प्रोत्साहित करें तो डेफिनेटली हम उन महिलाओं के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि महिला बचत गट है, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स है, उनको हम शिक्षित करके, हम ट्रेनिंग देकर उनको हम उनका सबलीकरण कर सकते हैं। ये थी राखी मैम, जिनका साफ कहना है कि महिलाएं जो है आगे बढ़ सकती है और ऑब्वियसली वो आगे है, किसी से कम नहीं है, लेकिन अगर किसी को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जो है समाज को देनी पड़ेगी और महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने का कोशिश ज़रूर करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि महिलाएं जो है किसी भी हद तक किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। कैमरामैन इकबाल शेख और प्रवीण चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।